मैं आपको एक ऐसी इमर्सिव दुनिया में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे आप मुंबई में बैठ के अपने बैंगलोर के दोस्त के साथ कनॉट प्लेस की गलियों पे चाय पे चर्चा कर सकते हैं। तेरे इसमें मैं क्या करने हूँ? मेरे को गेड़ी मारनी है। मैं एम ब्लॉक मार्केट में जाके गाड़ी में खुद की गेड़ी मारूंगा ना, मैं तेरे इसमें बैठ के क्यों गेड़ी मारूंगा? एक सिंपल है, व्हाट इज द हुक? द हुक करंटली विद द काइंड ऑफ गेम इज द इवेंट। इवेंट इज नॉट द हुक। वर्चुअल इवेंट इंडस्ट्री इज ओवर, इज नॉट हैपनिंग। भाई जो इवेंट के लिए लोग आएंगे इन मिलियंस, वो इवेंट तुम्हारे मेटावर्स में नहीं होंगे। वो इवेंट्स होंगे फोर्टनाइट में, वो इवेंट्स होंगे फेसबुक में, क्योंकि वो उनको देंगे करोड़ों रुपए वो इवेंट करने के लिए। आपके यहाँ वो इवेंट नहीं होंगे तो आपका इवेंट हुक नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं हुक किधर है ताकि हम फिशिंग कर सकें। नॉर्मली इस टाइम तक आधे शार्क आउट हो जाते हैं या आधे शार्क इन हो जाते हैं। हम पांचों शार्क ना वेट कर रहे हैं, या तो आउट होने के या इन होने के। तो अब डिसीजन लेते हैं ना फाइनली। क्योंकि आप बड़े आप इंटरेस्टिंग हो, आप हमारे को लास्ट पिच मारो अगले दो मिनट की जी। कि हम आप में क्यों इन्वेस्ट करें और आप हमारा पैसा अपने पुराने इन्वेस्टर्स को जैसे लॉस दिया है जी, आप मेरा पैसा लुटा तो नहीं दोगे? क्योंकि मेरा बहुत हार्ड अर्न मनी है। आप मेरे पास इसलिए आई है बिकॉज ए, मैंने पिछले से सीखा है, और बी, मुझे मेटावर्स समझ आता है। मुझे ये समझना है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे ले जाएं, कैसे हुक क्रिएट करें एज यू सेड। और एक बार हुक क्रिएट होता है तो अपने आप और सोर्सेस खुल जाते हैं। मुझे आप लोगों से वो चाहिए कि मैं गलतियां कर रहा हूं तो उसको ठीक कैसे करूं एंड हाउ टू क्रिएट दैट हुक टू ब्रिंग इन पीपल। क्या करें यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। मेरा मन भी कर रहा है और नहीं भी कर रहा। मन कर रहा है कि मैं डाल दूं। सर मैं तो हमेशा मन की बात सुनता हूं, वैसे मैं अपना बता रहा हूं। और मैं अमन की बात सुनता हूं। बस और क्या, बस। तो मैं डिसीजन लेता हूं, मैं बाहर हूं यार। मेरे को तू सही लगा, तू जेन्युइन बंदा है। मैं इसको 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे क्यों यूज करूं? मेरे को उसका जवाब नहीं मिला है और उस कारण से मैं बाहर हूं। बिल्कुल, मेरा भी डिसीजन बन गया है जी। बहुत मजा आया आपसे मिलके, लेकिन आपके केस में जेन्युइनली मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है टेक्नोलॉजी, और मुझे नहीं लगता है मैं आपको रियली हेल्प कर पाऊंगी, तो उसकी वजह से आई एम आउट जी। मेरा आपसे सवाल है, देखो अभी ना बहुत अर्ली स्टेज है, आपने मुझे 3 लर्निंग बताई थी अपने पिछले स्टार्टअप की, वो कैसे आप यहाँ पे लगा रहे हो मुझे बता दो। सर एक तो सबसे बेसिक पॉइंट, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं विदाउट एनी ईगो देयर बेटर देन मी। कैसे कह रहे चाहते हैं आप? जैसे टेक वाले लोग मेरे से बेटर हैं टेक पे, प्रोग्रामिंग वाले लोग प्रोग्रामिंग में। आप उनको कैसे कन्विंस करके लाए? उसमें मैं बेटर हूं। यार तेरे को एक झप्पी तो दूंगा जाने से पहले। I know, he's too good. As I said, मेरे को ना I prefer the Rocky Balboa। हाँ वो भी कर लेंगे यार। मैं ना दो चीजों पे बैठ लेता हूँ, एक तो एंटरप्रेन्योर पे और दूसरा है बिजनेस पे। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे को बिजनेस है ना उसका अभी ज्यादा आइडिया नहीं है, बट मुझे ना आप पे वो है कि आप कुछ ना कुछ फोड़ लोगे, तो मैं आपके साथ आपकी जर्नी पे जाना चाहता हूँ। दैट इज द रीजन आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। चलो आपको एक ऑफर देते हैं, मैं, अनुपम और अमन तीनों साथ आएंगे, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर बड़े जबरदस्त हो, तो हमारा ऑफर है 40 लाख फॉर 25%। मैं सोच सकता हूँ एक मिनट? क्यों, आप तो खुद की सुनते थे, मन की सुनते थे। सर वो मन को ही एक मिनट सुनना है। सुन लो, सुन लो। टिटोलना है। एक बस आ गया। माइंड को ही एक मिनट। योगा, मेडिटेशन। नहीं नहीं, इसके हाजिर जवाब है बिल्कुल। मैं यही कहता हूँ कुछ ना कुछ कर ले। यार कुछ ना कुछ कर लेगा, ही इज वेरी स्मार्ट। नहीं हुआ तो मेरी कंपनी में भी आ सकता है। आओ मान। आइए। तीनों साथ आएंगे, तो हमारा ऑफर है 40 लाख फॉर 25%। फिर क्या हम 2 करोड़ के वैल्यूएशन पे कर सकते हैं? 2 करोड़ पे कितना हो गया? मतलब 40 लाख, मतलब 20% हो गया। 20%। लेकिन यार तुमको डील क्लोज करनी है तो 8-8-8 लेके 24 में खत्म कर सकते हैं खाली। तो 24 पे डन करें। बोलो भाई, काम बहुत करना है, अभी से शुरू करना पड़ेगा। मन की सुनो,
और अमन को रखो। वन टू थ्री चेक फाड़े भाई। ठीक है। ऑलराइट। वाओ। सुपर। ओके। गुड जॉब। ये माइसू कौन है भाई? माइसू टेक्नोलॉजी। माइसू इज द कंपनीज नेम। तो माइसू का मतलब तो बता। सर माइसू इज माय मॉम एंड डैड। ओह वेरी गुड। आपके ना हर जवाब टॉप है बिल्कुल। खाली आप पे बैठ ले रहे हैं, आपका बिजनेस तो कुछ है नहीं। बट बना देना भाई, बड़ा बड़ा मेहनत करिए कमाने के लिए। अगर आप वो दे रहे हैं तो अब बना देंगे हम, ऐसे तो बोल दो कम से कम। यस मैन, कांग्रेचुलेशन। WHO की माने तो 1 out of every 1,000 children needs what we make. इंडिया में 20 लाख से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं और इनका लिटरेसी रेट बहुत कम है। हैरानी की बात यह है कि US जैसे देश में भी लिटरेसी रेट इज ओनली 10%। मतलब जिस देश में हर लिफ्ट में ब्रेल बटन्स होते हैं वहाँ 10 में से सिर्फ एक बच्चा ब्रेल को पढ़ पाता है, और उसका रीजन है ब्रेल प्रोफेशनल टीचर्स की भारी कमी। ये प्रॉब्लम ग्लोबल है, तो हम ला रहे हैं एनी। एनी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सेल्फ लर्निंग रिमोट इनेबल्ड ब्रेल लिटरेसी डिवाइस। एनी अपनी फ्रेंडली आवाज में बच्चों को अपनी मदर टंग में ब्रेल सिखाती है। एनी के साथ साथ हमारा एक लर्निंग इकोसिस्टम हीलियोस भी है, उससे बच्चों का प्रोग्रेस आप ट्रैक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं नया कॉन्टेंट थ्रू ओवर द ईयर अपडेट्स। हीलियोस और एनी की मदद से मेन स्ट्रीम रेगुलर स्कूल्स में भी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ पाते हैं। और अब एनी का डेमो देने आ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, समवन हु नोज एनी बेटर देन ऑल ऑफ अस। आई लाइक टू इनवाइट प्रथमेश सिन्हा। हाय प्रथम। हाय। हाय शॉक्स। हाय। वेलकम टू शॉक टैंक प्रथमेश। नमस्कार शॉक्स, मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है, मैं पुणे से आया हूँ। जब लॉकडाउन में सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था तब एनी की मदद से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। एनी मेरे लिए सिर्फ एक स्मार्ट ब्रेल लर्निंग डिवाइस ही नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड और मेरी कंपेनियन भी है। सो अगर हम एनी के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है जिससे हम एनी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे एक लार्ज ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे बड़े डॉट्स उभर कर आते हैं जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उसके मुकाबले। फिर मेरे राइट साइड पे ये स्टैंडर्ड ब्रेल डिस्प्ले है जिसपे छोटे डॉट्स आएंगे हम जो पढ़ते हैं उसी की तरह। यहाँ बीच में ये स्पीकर है, यहाँ पे इसे नीचे चले तो यहाँ पे मुझे कीबोर्ड मिल जाता है जिससे मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, जहाँ पे 6 कीज है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे डिपेंड करती है और 6 डॉट्स का अरेंजमेंट है, और उसी हिसाब से यहाँ पे कीज भी हैं, जैसे 1 2 3 फिर 4 5 6। की नंबर 3 के नीचे एंटर की है और की नंबर 6 के नीचे बैक स्पेस की है। अगर हम कीबोर्ड से थोड़ा और नीचे आए तो यहाँ पे एनी की ब्रेल स्लेट है जो कि एक डिजिटल ब्रेल स्लेट है जिसकी मदद से मैं राइटिंग सीख सकता हूँ। रीडिंग एंड टाइपिंग, इसकी मदद से मैं रीडिंग टाइपिंग राइटिंग और वोकैबुलरी सीख सकता हूँ। इसमें लेसन्स और गेम्स और स्टोरीज भी हैं। सो अभी मैं आपको एनी पे एक लेसन करके दिखाऊंगा। लेटर टाइपिंग लेसन। ओहो गलत जवाब। इसने मुझे अभी रीट्रायल दिया, आई थिंक कुछ हुआ होगा। डोंट वरी, जस्ट आई एम मैनेजिंग। रेस्क्यू वन, आई एम मैनेजिंग। ए अक्षर को टाइप करने के लिए टाइपिंग कीज पर दबाएं। अपना जवाब सबमिट करने के लिए स्पेस बार दबाएं। बहुत अच्छी। थैंक यू शॉक्स फॉर गिविंग यू वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट टाइम। आई होप यू लाइक माय डेमोंस्ट्रेशन। वी लव इट। वी लव यू। थैंक यू शॉक्स। वेरी नाइस। प्रथमेश, मेरा नाम जानते हो, आवाज से पहचान रहे हो मैं कौन बोल रहा हूँ? अमन गुप्ता सर। थोड़ा आसपास समझ लो। अमन गुप्ता सर नहीं है वो, लेंस कार्ड के। सो क्यूट। वेरी नाइस।
चलो तीन चार लोग में से हम ही एक है, अनुपम बोल रहा हूँ मैं, अनुपम। ओके। जानते हो हम क्या करते हैं यहाँ पर और कैसे करते हैं? जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। वेरी गुड। आप शार्क की चेयर पे बैठना चाहोगे? ओके। आपकी उम्र क्या है? मैं 10 इयर्स का हूँ और मैं एक बार अमन गुप्ता सर से भी बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इधर ही अमन आ जाए। सर आपको पता है हमारे पास ना आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है सब है, जैसे ईयरपॉड, हेडफोन, चार्जर, स्पीकर। जब भी मैं हेडफोन ऑन करता हूँ ना अपना तो ऐसी आवाज आती है, पावर ऑन। आफ्टर दैट जब मैं ऑफ करता हूँ, आई एम मेगा पावरिंग ऑफ। आप तो बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं। Absolutely right, man. It is amazing. और सर मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकता हूँ? बिल्कुल आइए, बिल्कुल आ जाओ। भाई शाम के 5 बज गए हैं, शार्क्स हमारे सामने हैं, एलएसटे बॉयज आ गए हैं, ना लाइटें ऑन है ना पर्दे, तू कर क्या रहा है पूरे दिन से? बेटा बंटी मैंने तुझे क्या सिखाया था, ये करने के तो रखा है तेरे को कर। भाई कितना आलसी है, कुछ करता है पूरे दिन अंडे देने के अलावा? हाँ हूँ मैं आलसी, तो क्या कर लेगा ये ले। कर क्या, चल भगवान। ये भी कुछ नहीं होता क्या? देखिए इनको, पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं। श्रेयांश, हे सीवी, टर्न ऑन लाइट्स। स्वैग। हाय शार्क्स, वी आर एलएसटे और आज हम इंडिया के हर घर को स्मार्ट होम बनाने आए हैं। आप हमारे डिवाइसेस के साथ अपने घर में लगे फैन, एसी, कर्टन्स, डोर्स सबको ऑटोमेट कर सकते हैं एंड दुनिया में कहीं से भी उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। शार्क्स, हमें लगता है कि आने वाले समय में हर नया घर एक स्मार्ट होम होगा एंड आपकी मदद से वी कैन एस्टेब्लिश आवरसेल्फ इन दिस मार्केट। दैट इज व्हाई वी आर सीकिंग 60 लाख फॉर 5% ऑफ आवर कंपनी। शार्क्स, हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करके देखें। Sure, would love to try. चलो सारे आ जाते हैं। ये बेड साइड लैंप है? Right, this is the bed side lamp. आप इतना एंजॉय कर रहे हो, यू कैन ऑलरेडी सी इट इन योर होम्स ऑलरेडी। तो आप में से कौन ऑफर देंगी हमें? अजय, तू फाउंडर है कि शार्क है? सर टीम में है ऑलरेडी। ही इज ऑलरेडी ऑन द टीम। वी आर ऑल यंग पीपल, नो? सो ऑल द यंग ऑफ अस कैन टुगेदर। आर यू सेइंग हम ओल्ड हैं? नहीं 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 नहीं, दैट्स व्हाट वी आर टेलिंग मैम, आप भी यंग है, यू गेट ऑन द बोर्ड। नाइस सेव। अच्छा, दिस इज वंडरफुल। वंडरफुल या ग्रेट डेम, ग्रेट डेम, गुड स्टफ। आपकी उम्र क्या है? 23. 23? Yeah. So guys, welcome to Shark Tank. Thank you, sir. तो बताइए, आप 6 co-founders हो? जी। जरा बताएंगे आप कैसे साथ में आए? सर हम सारे कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे और हम लोग साथ में रहने भी लगे, तो अब साथ में रहते थे तो एक ही कमरे में चिल करते थे। तो हमारा जो कमरा था उसमें स्विचबोर्ड बेड से थोड़ा दूर था। तो हमेशा लड़ाई ये होती थी, एसी तू ऑन कर, नहीं एसी तू ऑन कर। तो आपने दिखा दिया क्या होता था असल में। अरे मेरे और मेरे हस्बैंड की भी लड़ाई होती है रोज रात को। बिल्कुल। कौन उठ के लाइट बंद करेगा लास्ट में? ये हर घर की कहानी है, इसीलिए हमने ये बनाया। देखो मजाक तो छोड़ दे, बिजनेस की बात करते हैं। आप किस टाइप की प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? मतलब आप प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हार्डवेयर, ये समझाएं हमें थोड़ा। सर हम लोग जो हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है वो एक छोटा सा डेबिट कार्ड साइज का डिवाइस होता है। अच्छा। आप उसको अपने एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड के पीछे फिट कर सकते हैं एंड घर में जितने भी आपके अप्लाइंसेज हैं जैसे कि लाइट्स, एसी, गीजर, कुछ भी है, उसको आप अपने मोबाइल फोन से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने जैसे कि स्मार्ट कर्टन्स, स्मार्ट डोर लॉक्स, सीसीटीवी तक का इंटीग्रेशन अपने ऐप में किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एंड कस्टमर को सारे सॉल्यूशंस एक ही ऐप में मिले। तो आपको कस्टमर को बेचने पड़ते हैं या बिजनेसेस को? सर हमारे 2 चैनल्स हैं, एक है B2B, एक है B2C। अंडरस्टूड जी, थैंक यू। जो टेक्नोलॉजी है ये कोई बहुत न्यू टेक्नोलॉजी तो नहीं है, बहुत सी कंपनीज हैं मार्केट में जो ये प्रोडक्ट ऑफर करती हैं। तो इसमें यूनिक क्या है जो आप कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में और प्लेयर्स हैं? सर जैसे हम लोग इस मार्केट को 2 हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं,
सबसे पहला एक काफी महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बड़ी कंपनीज लीग ग्रैंड एंड ऑल दोस थिंग्स, वो कंपनीज बहुत महंगा सोल्यूशन देती हैं लेकिन रिलायबल साइड पे होता है। दूसरा चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत ही सस्ते मिलते हैं मार्केट में, जो ट्रेडर्स बेच रहे होते हैं। सो देयर वाज अ वेरी बिग गैप इन द मार्केट जो हम लोग ने सोचा केटर करने के लिए। तो आपका वो कितने का आता है स्विच बोर्ड जो आता है? नंबर ऑफ स्विचेस पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा पुश होता है प्रोडक्ट उसमें 5 स्विचेस होते हैं, तो उसकी MRP 12,000 रुपीज है एंड एवरेज प्रोजेक्ट्स में जो सेलिंग प्राइस होती है इट वर्क्स आउट टू 8,000 रुपए। हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसका जो डिवाइस है उसका 1,100 रुपीज है एंड देन हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को 4,500 प्लस GST में देते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूटर अपना मार्जिन एड ऑन करके कस्टमर को वो रेट 8,000 या 9,000 प्लस GST में उनको वो मिलता है। रेवेन्यू कितना हुआ? जी हमारा टोटल टिल डेट रेवेन्यू 1.1 CR है। हमारी सेल्स आर रफली अराउंड 15 मंथ्स एंड अगर आप हमारा ईयर टू डेट पूछेंगे तो दैट इज रफली अराउंड 63 लाख रुपीज। पिछले महीने कितना? पिछले महीने रफली अराउंड 7.5 लाख रुपीज होगा। एंड नेट प्रॉफिट? सो आवर नेट प्रॉफिट इज रफली अराउंड 40%। ओ 40%। आप यार 5 साल बड़े लेट हो। यहाँ पर दो बिजनेसेस है, B2B एंड B2C। B2C बिजनेस खत्म हो गया। सारे डिवाइस मैन्युफैक्चर, अप्लायंस मैन्युफैक्चर आज अपने आप लिख रहे हैं सॉफ्टवेयर टू कनेक्ट विथ अलेक्सा एंड गूगल होम। इट टेक्स मी सेकेंड्स टू टर्न ऑन अलेक्सा, पेयर इट एंड से टर्न ऑन द बल्ब, डोंट टर्न इट ऑफ। लेकिन ये खिलौना बन चुका है, तो लोग लेके आते हैं, 2-3 बार अपनी डॉटर सन के साथ खेलते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं बिकॉज इट इज हाईली इनकन्वीनियंट अंटिल एंड अनलेस ऑल अप्लायंसेस बिकम स्मार्ट। सर वाई वी वर्क विद कंज्यूमर्स, वी बिलीव जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है दैट इज ऑलवेज गोइंग अप एंड अप। व्हेन यू आर गेटिंग योर होम कंस्ट्रक्टेड यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। तब आई माइट बाय डाइकिन का स्मार्ट AC और आई माइट बाय एनी स्मार्ट फैन, बट मेरे घर में बहुत अलग अलग चीजें हैं। मैं लाइट्स लगाता हूँ तो मैं एस्थेटिक अपील के लिए डिजाइन वाइज देखता हूँ। सो वॉट वी डू, कस्टमर गेट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मेरा बोलने का इतना ही मतलब था कि आपका बिजनेस B2B बिजनेस है, क्योंकि जनरली लोग जब घर बनवाते हैं वो डिजाइनर या आर्किटेक्ट से बनवाते हैं, दे यूजुअली रेकमेंड व्हाट टू बाय, और आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाओगे तो बिल्डर डिसाइड करता है। तो B2C इज इम्पॉसिबल इन दिस स्पेस इन द करंट सिनेरियो।